सो वेलकम बैक टू माई न्यू वाटर प्योरीफायर वीडियो, जहां हम ऑलमोस्ट हर सेगमेंट के बेस्ट UVF वाटर प्योरीफायर की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपको एटलीस्ट मेरी वीडियो देखते समय पता होने ही चाहिए। एंड साथ ही में इन सब पॉइंट्स को अच्छे से समझने के बाद आपको ना तो कोई ब्रांड एंड ना ही इनके ऑफलाइन या ऑनलाइन सेल्स पर्सन गलत प्रोडक्ट के तरफ इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो फर्स्ट, इस वीडियो में मैं आपको बस वही UVUF वाटर प्योरीफायर रिकमेंड करूंगा जिसमें एटलीस्ट 4 स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन हो, विच इज प्री सेडिमेंट फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, UV चेंबर एंड UF फिल्टर। बाकी इनके अलावा मार्केट में कई सारे UV प्योरीफायर्स भी अवेलेबल हैं, लाइक प्योरेट कॉपर UV, जिनमें यहाँ पे UF फिल्टर नहीं होता। एंड मैं प्योरीफायर को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू प्योरीफायर ब्रांड्स, आप यहाँ पे इस वीडियो के सारे प्योरीफायर को अप टू 200 PPM तक के TDS वाले वाटर के साथ यूज़ कर सकते हो। एंड वैसे एक बात मैं यहीं क्लियर कर दूं कि सेकंड पॉइंट की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सारे सिनेरियोस को कवर नहीं करती। एंड अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको कौन से प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी वाला वाटर प्योरीफायर लेना है, तो वो आप मेरी ये वीडियोज़ को देख के ईजिली डिसाइड कर सकते हो। और वैसे ये जो मेरी प्रीवियस वीडियो है बेस्ट UVUF वाटर प्योरीफायर की, वो इस वीडियो से ज़्यादा डिटेल्ड एंड बेटर है। उस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, लाइक प्रॉपर फिल्टर प्लेसमेंट, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग, चीप मार्केटिंग बाय यूट्यूबर्स एंड एक्सेट्रा। बाकी ये वाली वीडियो एक रिवाइज एंड अपडेटेड वीडियो है, जहाँ पे आपको प्योरीफायर्स के ऑप्शंस रिकमेंडेशन ज़्यादा मिलेगी, बट इन्फॉर्मेशन एंड फंडे के लिए तो आपके उस वीडियो में ही क्रिस्टल क्लियर होंगे। थर्ड, एक UVUF वाटर प्योरीफायर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है UF फिल्टर, जो आपको हर वाटर प्योरीफायर में डिफरेंट मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मैं इसे मेजरली 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट, वो UF फिल्टर जिनका पोर साइज 0.01 माइक्रॉन का होता है, एंड सेकेंडली है वो फिल्टर्स जिनका पोर साइज 0.01 माइक्रॉन से बड़ा होता है। एंड वैसे इस पोर साइज का मतलब होता है वो होल जिससे एक्चुअली में यहाँ पे वाटर फिल्टर आउट होता है, एंड ये जितना छोटा होगा उतना ही बेटर फिल्ट्रेशन होगा। फोर्थ, हर वाटर प्योरीफायर को बाय करने का एक इनिशियल कॉस्ट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉस्ट होता है जिसे हम कहते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, विच मीन्स एक वाटर प्योरीफायर के जो फिल्टर्स होते हैं उसको आपको यहाँ पे 6000 लीटर प्योरीफाइड वाटर के बाद चेंज करना होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के बाद। एंड सेकेंडली, यहाँ पे कई सारे ब्रांड्स में आपको एक कंप्लीट एनुअल मेंटेनेंस प्लान भी ऑफर किया जाता है, जिसमें हर साल एक बार आपके वाटर प्योरीफायर के सारे फिल्टर्स को चेंज किया जाता है। एंड साथ ही में अगर आपके वाटर प्योरीफायर में कोई प्रॉब्लम आती है थ्रू आउट द ईयर, तो वो भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर किया जाता है, लाइक ब्रांड्स वारंटी। एंड वैसे इसकी जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे हर वाटर प्योरीफायर के लिए अलग होती है, एंड साथ ही में ये चेंज भी होती रहती है। बाकी मैं यहाँ पे आपको इस एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देता हूँ। लाइक सबसे ज़्यादा कॉस्ट है यहाँ पे यूरेका फोर्ब्स एक्वागार्ड का, देन है अपना कैंट, हैवेस एंड एओस्मिथ, फिर आता है अपना लिफ प्योर, देन फिर सबसे कम है यहाँ पे वीगार्ड, विच मीन्स वीगार्ड के कंप्लीट एनुअल मेंटेनेंस प्लान का यहाँ कॉस्ट है 2499 रुपीज़। और वैसे अगर आपको किसी स्पेसिफिक मॉडल का करेंटली एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पता करना है या फिर फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता करना है, तो वो आप उनके कस्टमर केयर को कॉल करके पूछ सकते हो। ये कई ब्रांड्स में एरिया टू एरिया भी डिफर करता है। बाकी यहीं पे हम बात कर ले आफ्टर सेल सर्विस क्वालिटी की, तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैं वहाँ पे जो ज़्यादातर ब्रांड्स हैं उनकी सर्विस आपको सिमिलर से ही देखने के लिए मिल जाती है। बट फिर भी मुझे अगर रेट करना हो तो यहाँ पे फर्स्ट पे रहेगा एक्वागार्ड एंड कैंट, देन अपना यहाँ पे रहेगा लिफ प्योर, फिर रहेगा हैवेल्स एंड वीगार्ड, एंड फिर सबसे लास्ट में रहेगा एओस्मिथ। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड बेस्ट UVUF वाटर प्योरीफायर की लिस्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्योरीफायर है एक्वागार्ड इलाइट NXT, जिसकी सारी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, जिन्हें मैं यहाँ पे किसी भी वाटर प्योरीफायर के लिए रीड आउट करके बहुत अच्छा बाकियों के तरह नहीं चिल्लाऊंगा। मैं आपके डिसीजन मेकिंग को ईजी करने के लिए ये एक्सप्लेन करूँगा कि इस पर्टिकुलर वाटर प्योरीफायर को क्यों मैंने अपनी रैंकिंग में जगह दी है। सो फॉर दिस प्योरीफायर, इस वाटर प्योरीफायर में आपको यहाँ पे 5 स्टेज ऑफ प्योरीफिकेशन मिलता है,
विच मीन्स इस प्योरीफायर में आपको वो फोर स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन तो मिलता ही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बट इन सब के साथ आपको इसमें एक एक्स्ट्रा मिनरल चार्ज टेक्नोलॉजी भी मिलती है, विच इज़ एन एक्स्ट्रा कार्टेज जिसके थ्रू ये वाटर प्योरीफायर अपने प्योरीफाइड वाटर को इंस्टेंटली चार्ज करेगा एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट से लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो डेफिनेटली एक गुड टू हैव फीचर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है इसकी प्राइस, जो करेंटली है सिर्फ 7,199 की, जिसके वजह से अराउंड 7,000 ये एक बेस्ट वाटर प्योरीफायर बन जाता है। बाकी यहाँ पे एक्वागार्ड ने अपने यूएफ फिल्टर का पोर साइज कहीं भी मेंशन नहीं किया है, बट एज पर माय नॉलेज इसमें आपको एक 0.1 माइक्रोन वाला यूएफ फिल्टर ही देखने के लिए मिलेगा, जिसे मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड सेकेंड प्योरीफायर की बात करते हैं, विच इज़ कैंट अल्ट्रा स्टोरेज, जो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंगली बेस्ट वाटर प्योरीफायर है इन टर्म्स ऑफ प्योरीफिकेशन, क्योंकि इसमें आपको एक 0.01 माइक्रोन वाला यूएफ फिल्टर मिलता है एंड ये क्लियरली आपको इनकी मैनुअल में मेंशन मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कैंट के अलावा यहाँ पे कोई भी अदर ब्रांड अपने यूएफ फिल्टर का पोर साइज मेंशन नहीं करता, एंड एज़ पर माई नॉलेज कि आपको इस वाटर प्योरीफायर के अलावा किसी भी अदर वाटर प्योरीफायर में 0.01 माइक्रोन वाला यूएफ फिल्टर नहीं मिलेगा। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हर अदर वाटर प्योरीफायर में आपको एक 0.1 माइक्रोन वाला यूएफ फिल्टर ही देखने के लिए मिलेगा, एंड वैसे मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी मैं यहाँ पे बस यही बोलूँगा कि अगर आपका बजट अराउंड 8,000 का है तो डेफिनेटली इस वाटर प्योरीफायर को आप कंसिडर करना। नाउ अब आगे बढ़ने से पहले एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के दौरान अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, विद इन 24 आवर्स आपको यहाँ पे रिप्लाइज मिलेंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना जो वीडियो के बीच में है। और साथ ही मैंने इस वीडियो के हर एक वाटर प्योरीफायर की जेन्युइन सेलर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, एंड ये सारे लिंक्स मेरी एफिलिएट लिंक्स भी हैं जिनके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट परचेस करके इस टाइप के अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट एंड टू द पॉइंट कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो, एंड साथ ही में इस चैनल की सारी फ्री सर्विसेज को आप हमेशा के लिए फ्री रख सकते हो। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एंड इसी रेंज के कुछ और ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्योरीफायर है वो है वीगार्ड रेजिव, जिसको यहाँ पे रिकमेंड करने का मेरे पास 3 रीज़न है। फर्स्ट है वीगार्ड का बेस्ट एनुअल मेंटेनेंस प्लान, विच मीन्स इनका एनुअल मेंटेनेंस प्लान बिल्कुल वारंटी जैसा सिमिलर है, like इनके एनुअल मेंटेनेंस प्लान में यहाँ पे इनके फिल्टर्स तक इंक्लूडेड हैं, जो आपको एक साल में अदर ब्रांड में सिर्फ 1 टाइम फ्री रिप्लेसमेंट मिलता है। ऊपर से इनका AMC कॉस्ट भी सबसे कम है 2,499 का। सेकेंडली इसमें आपको एक ग्लास चैनल वाला UV चेम्बर मिलता है, विच मीन्स इनके UV चेम्बर के अंदर हमें एक ग्लास ट्यूब मिलती है जिसके अंदर अपना जो वाटर है वो फ्लो होता है, जिसके वजह से इस टाइप के UV चेम्बर में वाटर का किसी भी मेटल से कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको ज़्यादातर ब्रांड्स में जो UV चेम्बर है वो एल्यूमिनियम का देखने के लिए मिलता है, जिसमें वाटर का एंड एल्यूमिनियम मेटल का यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना रहता है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं मानते। थर्ड, इस वाटर प्योरीफायर की जो स्टैंडर्ड 1 ईयर की वारंटी है उसमें इसके फिल्टर्स भी कवर हैं, जो ऑलमोस्ट हर ब्रांड के कॉम्प्रेंसिव वारंटी में कवर नहीं रहते, एंड साथ ही में आपको इसमें एक फ्री रीइंस्टॉलेशन की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। बाकी एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि ये जो वीगार्ड है वो वाटर प्योरीफायर वाले मार्केट में कंपैरेटिवली न्यू प्लेयर है, जिसके वजह से हो सकता है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस आपको यहाँ पे स्मॉल सिटीज और यू कैन से Tier 3 सिटीज में इतनी बेटर देखने के लिए ना मिले। बाकी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड सेकेंड प्योरीफायर की बात करते हैं, जो कि है यहाँ पे अगेन कैंट मैक्सस्टार, जो उनके लिए यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा जिनको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, विच मीन्स इस प्योरीफायर में भी आपको जो स्टार्टिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे वो 4 फिल्ट्रेशन तो देखने के लिए मिलते ही हैं, एंड साथ ही में इसमें आपको इसके टैंक के अंदर इन टैंक UV स्टेरिलाइजेशन भी देखने के लिए मिलता है,
जिसके वजह से स्टोरेज टैंक के अंदर वायरसेस एंड बैक्टीरियास का कोई चांस ही नहीं रहता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी कोई ऐसी ज्यादा जरूरत तो थी नहीं, बट है तो डेफिनेटली एक गुड टू हैव फीचर तो है ही। सेकेंडली, इसमें आपको एक डिटैचेबल स्टोरेज टैंक मिलता है, विच मीन्स अगर आप चाहो तो इसके स्टोरेज टैंक को रेगुलर टाइम इंटरवल्स के बाद अपने आप खुद भी क्लीन कर सकते हो। एंड थर्ड, इसमें आपको एक 0.1 माइक्रोन वाला यूए फिल्टर देखने के लिए मिलता है। नाउ, अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो अगेन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कैंट प्रिस्टीन और अल्टरनेटिवली कैंट मैक्स। इन दोनों प्योरीफायर्स में आपको 0.1 माइक्रोन वाला यूए फिल्टर मिलता है विथ डिटैचेबल स्टोरेज टैंक। एंड एडिशनली आपको कैंट प्रिस्टीन मॉडल में 8 लीटर की सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी मिलती है। बाकी इसके बाद यहाँ पे इस सेगमेंट में फोर्थ प्योरीफायर है लिफप्योर क्लिप्स, जो वो लोग कंसिडर कर सकते हैं जिन्हें यहाँ पे वीकार्ड ब्रांड का प्योरीफायर नहीं लेना, बट उनको यहाँ पे एक लो मेंटेनेंस प्लान वाला वाटर प्योरीफायर लेना है। बाकी इसमें भी आपको 0.1 माइक्रोन वाला फिल्टर ही मिलता है। देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हैवेल्स फैब यूवी, जो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जिनको यहाँ पे एस्थेटिकली बेस्ट प्योरीफायर चाहिए, जिसे वो यहाँ पे अपने किचन के कॉर्नर में भी प्लेस कर सकें। बाकी इसमें भी आपको यहाँ पे डिटैचेबल स्टोरेज टैंक मिलता है एंड साथ ही में इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बैक्टेरियोस्टैटिक टेस्ट इन्हेंसर फिल्टर भी मिल जाता है। जो एग्जैक्टली क्या है एंड कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको करेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट जो भी है हम इसे अपनी गुड टू हैव लिस्ट में तो इंक्लूड कर ही सकते हैं। नाउ, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्योरीफायर की बात करते हैं, जो है यहाँ पे एओ स्मिथ X2। अब इसे यहाँ पे इंक्लूड करने का रीज़न ये है कि कुछ यूजर्स को लगता है कि इसमें एक स्टेनलेस स्टील का यूवी चेम्बर है, बट ये चीज़ यहाँ पे एओ स्मिथ के द्वारा कहीं भी मेंशन नहीं की है, ना वेबसाइट पे, ना यूज़र मैनुअल पे एंड ना ही प्रोडक्ट पे। और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू RO टेक्नीशियन वीडियोस, इसमें आपको एक एल्यूमिनियम चेम्बर ही मिलता है। दैट्स व्हाई मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको एओ स्मिथ स्पेसिफिक कोई ब्रांड का प्योरीफायर लेना है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे इसे अपनी बेस्ट वाली लिस्ट में रैंकिंग नहीं देता। नाउ, अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट वाटर प्योरीफायर है एक्वागार्ड मार्बल NXT, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा कॉपर एंड जिंक बूस्टर कार्ट्रेज मिलता है, विच मीन्स इसमें भी हमें इन टोटल 5 स्टेज ऑफ प्योरीफिकेशन मिलता है। सो अगर आपको एक बेस्ट कॉपर यूवी वाटर प्योरीफायर चाहिए तो अंडर 10 के ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा अंडर 10 के एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, विच इज वीगार्ड रेजी विथ स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक। यानी कि इस प्योरीफायर में आपको स्टोरेज टैंक 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का मिलता है, जिसके वजह से ये अंडर 10,000 एक अच्छा एंड यूनिक ऑप्शन बन जाता है। और वैसे इसमें हमें एक और वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें हमें 6 स्टेज ऑफ प्योरीफिकेशन मिलेगा, विच मीन्स इसमें आपको एक एक्स्ट्रा पोस्ट कार्बन कॉपर फिल्टर विद मिनरल हेल्थ चार्जर फिल्टर मिलेगा, जिसके वजह से अगेन अराउंड 10,000 ये प्योरीफायर दी ओनली बेस्ट अफोर्डेबल वाटर प्योरीफायर बन जाता है विथ स्टेनलेस स्टील टैंक एंड कॉपर प्योरीफिकेशन। बाकी इस प्योरीफायर पे भी वीकार्ड के तीनों एडवांटेजेस एप्लीकेबल हैं। नाउ, अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट प्योरीफायर है वो अगेन है एक्वागार्ड का ऑरा, जिसमें आपको यहाँ पे सारे एक्वागार्ड मार्बल NXT वाले फिल्टर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा मिनरल गार्ड टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसके रिगार्डिंग मैं वापस वही बोलूँगा, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी बट है तो हम यहाँ पे गुड टू हैव बोल सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे मार्बल NXT मॉडल नहीं लेना तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक रिमार्क है कि ये जो एक्वागार्ड ऑरा वाटर प्योरीफायर है, इसकी जो एनुअल मेंटेनेंस प्लान है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो 500 रुपीज़ ज़्यादा है मार्बल NXT से, अकॉर्डिंग टू एक्वागार्ड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, विच मीन्स मार्बल NXT की अप्रॉक्स कॉस्ट है 2,700 की एंड वहीं यहाँ पे एक्वागार्ड ऑरा की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 3,300 की। सो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखें डिसीजन लेना। नाउ, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिक वाटर प्योरीफायर की बात करते हैं, जो है एओ स्मिथ X1, जिसमें एक इनबिल्ट हीटर है, जिसके वजह से आप इस प्योरीफायर के थ्रू डायरेक्ट 3 डिफरेंट टेम्परेचर वाला वाटर ले सकते हो। फर्स्ट है यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे, देन सेकंड है यहाँ पे 45 डिग्री पे एंड फिर थर्ड है यहाँ पे 80 डिग्री पे।
तो अगर आपको ये हॉट वाटर फंक्शनैलिटी चाहिए तभी आप इस प्योरीफायर को कंसिडर करना, अदरवाइज जस्ट स्किप दिस। बाकी इस प्योरीफायर के साथ आपको एक एक्सटर्नल प्री फिल्टर भी मिलता है। एंड अगेन इसकी कोई यहाँ पे ऐसी ज़रूरत तो नहीं है, बट है तो यहाँ पे गुड टू हैव बोल सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो अपनी लिस्ट है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपका यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसी फॉर्मेट में पूछना, तभी आपको कमेंट के रिप्लाइज मिलेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए अनबायस्ड कंटेंट के फॉर्म में। तब तक के लिए बाय एंड कीप सपोर्टिंग।